जोड़िए अपनी दुकान को mygadhwa.com से और बढ़ाइए अपना बिजनेस। दुकान जोड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9525338184। राज्य सरकार के कोरोना के कानूनों का उल्लंघन करने वालों से 1,00,000 रुपए जुर्माना व 2 साल की सजा देने का निर्णय अव्यवहारिक व अपरिहार्य है। उक्त बातें पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र केसरी के शुक्रवार को चिचरिया स्थित आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने सरकार के इस अध्यादेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है, जिसमें गढ़वा जिला पूर्णतः गरीब व पिछड़ा है। यहाँ गांव की अधिकांश ग्रामीण जनता अशिक्षित है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह भी पता नहीं है कि कोरोना बीमारी क्या है, मास्क क्या है, इससे क्या उपयोगिता है। ऐसी स्थिति में उक्त अध्यादेश ग्रामीण जनता के लिए अस्वीकार्य है। इस तरह सरकार की तानाशाही रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के हित में इस अध्यादेश का परिपूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीसी डीडीसी व जिले के एसपी को जो वर्तमान में जिले का कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्हें अपनी व गढ़वा जिले की जनता की ओर से शुभकामना देते हुए कहा कि गढ़वा जिले में काफी गरीब लोग निवास करते हैं, जो कई तरह की लाचारी से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले के नगर उटारी सहित अन्य सभी छोटे छोटे शहरों में जीविकापार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की दुकान लगाकर कमाने खाने लोग हैं, जिसमें भी कोरोना जैसी महामारी में कई माह तक लॉकडाउन के कारण उनका कारोबार ठप रहा। इस बीच उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, जिसके कारण लोग डिप्रेशन में हैं। आत्महत्या की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर कुछ दिन दुकान बंद, कुछ दिन दुकान खोलना, इसके कारण कोरोना महामारी में बहुत फायदा होना होकर आर्थिक स्थिति जर्जर होने से उनकी समक्ष तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संस्था के नाम पर अपनी नेतागिरी के ही सप्ताह में कुछ चमकाने के लिए प्रशासन को लिख कर दे रहे हैं कि सप्ताह में कुछ दिन दुकान खुलेंगे, जो व्यवसायियों के हित में कुठाराघात कर रहे हैं। यह आम जनता के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लोग कुंठित होकर नशा का शिकार हो रहे हैं तथा मौत को गले लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के जुड़ता गुटखा आदि वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे आम लोग तो डरे हैं, लेकिन नगर उठारी के इस धंधे में बड़े व्यवसायी लोग से नहीं के कारोबार, लेकिन अनुमंडल के छोटे शहरों में तथा गाँव में अधिक मुनाफा के उद्देश्य से बड़े व्यापारी अपना हाथ पैर फैलाकर दोहरा लाभ कमाने में लगे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की छानबीन कर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर लोगों से सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करने, मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का पालन करने तथा डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों आदि जो इस महामारी से बचाव में रात दिन लगे हैं, उनका सम्मान करने की अपील किया है। उन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर उन्हें इन समस्याओं से अवगत कराया है। प्रेस वार्ता में अश्विनी कुमार, प्रकाश चंद सेठी, बुच्चू प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे।